नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है सक्सेस टू ट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी के स्टूडेंट हैं, यदि आपका एग्जाम इसी मंथ में है या आने वाले में मंथ में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी में नया सिलेबस ऐड हुआ है, उसी के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 महीने हुए हैं इस सिलेबस को ऐड हुए, और पिछले 2-3 महीने में ही बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन थे और बोल रहे थे कि सर, ये नए सिलेबस पे जो क्वेश्चन है बहुत सारे आ रहे हैं। तो वो नया सिलेबस लिब्रो ऑफिस है। अगर फर्स्ट टाइम आपको वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो लिब्रो ऑफिस है, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो मैंने 1-2 दिन पहले और सारी बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, उसे आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो सारी वीडियोज देख लीजिए। और आज की वीडियो भी लिब्रो ऑफिस पे आधारित है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप पढ़ के जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ, अगर आपके 50 क्वेश्चन आए तो आप 45 क्वेश्चन 100% डन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जो आपको मिलेगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी लिब्रे ऑफिस के बारे में ही बात करने वाला हूं, जिससे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सीरीज में पहला क्वेश्चन है वो है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क किसी भी सेल का एड्रेस होता है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले सीरीज में मैंने बात की थी लिब्रो ऑफिस राइटर की, जैसे कि एमएस ऑफिस होता है उसी तरह लिब्रो ऑफिस होता है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड कहा जाता है, उसी तरह लिब्रो ऑफिस में लिब्रो ऑफिस में राइटर कहा जाता है। और जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल को एमएस ऑफिस में एक्सेल बोला जाता है, उसी तरह लिब्रो ऑफिस में क्लर्क बोला जाता है। तो दोस्तों, यानी कि आज की जो सीरीज है वो क्लर्क, यानी कि एक्सेल को जो बोलते हैं एमएस वर्ड में, उसके बिहाफ पे है। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन है टाइटल बार, दूसरा ऑप्शन है स्टेटस बार, सी नंबर यानी अगला ऑप्शन है फार्मूला बार, अगला ऑप्शन है नेम बॉक्स। तो दोस्तों, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं वो है डी नंबर। जब आप लिब्रो ऑफिस में जाएंगे, आपके पास सिस्टम है कुछ भी है, या आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, तो सिस्टम में अगर आप लिब्रो ऑफिस यानी क्लर्क ओपन करेंगे, तो उसमें आपको जब कहीं पर अपना कर्सर रखेंगे तो उस बॉक्स का जो एड्रेस होता है, वो आपको जो फार्मूला बार होता है उसके टॉप पे, उसके जस्ट साइड में आपको एक नेम बॉक्स मिलेगा जहाँ पर उसका एड्रेस लिखा होता है। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, जैसे कि ये मैंने बना दिया, यहाँ पर ऊपर जो वर्कशीट होती है उसके ऊपर यहाँ पर आपको फार्मूला बार मिल जाएगा और यहाँ पर नेम बॉक्स मिल जाता है, तो वहाँ पर इसका एड्रेस लिखा होता है, आप चेक करिएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में आखिरी कॉलम का एड्रेस होता है। ए नंबर है XFD, बी नंबर है ABC, सी नंबर है AMJ, डी नंबर है ZBC। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, सी नंबर है AMJ, लास्ट कॉलम, यानी कि जो जब आप ओपन करते हैं क्लर्क, उसके बाद सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो आपको ये एड्रेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, AMJ। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपके ट्रिपल सी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे ज्वाइन होकर आप कोई भी सलूशन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, या फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी का, तो ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए, अब नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या मिलता है, टेबल बनती है, सेल बनता है, बॉर्डर बनती है, बॉक्स बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, सेल बनता है, रो और कॉलम को मिलाने से एक्सेल में सेल बनता है। ये क्वेश्चन आप जरूर चेक करिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में इक्वल प्रोडक्ट 5.8 का मान क्या होगा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ए नंबर है -85, बी नंबर है 40, सी नंबर है 42, डी नंबर है 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको पता है तो। इसका जो करेक्ट आंसर है बी नंबर है 40 यानी कि 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। नंबर एक Ctrl+Shift+T, बी नंबर है Ctrl+Shift+ सेमी कोलन या कोलन, उसको आप उसमें दो जो आपका की मिलेगा उसमें दो मिलेंगे सेमी कोलन और कोलन दोनों। तो सी नंबर है Alt+D और डी नंबर है Shift+T। अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जो CCC के बारे में अभी स्टार्टिंग किए हैं उनको नहीं पता, तो वो 100% अगर एग्ज़ाम देंगे तो वो Shift+D या फिर Ctrl+Shift+T ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने डीपली पढ़ा नहीं इसलिए उनको पता नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं जबकि इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर Ctrl+Shift+ सेमी कोलन, या आप उसे वहीं पर कोलन भी रहता उसे भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, आप जब कीबोर्ड पर जाएंगे वहां पर आपको लास्ट में एक मिल जाएगा, वहां पर ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे ऐसे बना रहेगा कॉलन सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रे ऑफिस क्लर्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। कोई वैल्यू है उसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं या चिन्हित करना चाहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बताना है। ए नंबर है Ctrl+F4, बी नंबर है Ctrl+H, सी नंबर है Ctrl+F, डी नंबर है Ctrl+F8। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं Ctrl+F8। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस में यानी लिब्रो ऑफिस क्लर्क में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर ऑफिस जहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर मैंने क्लर्क नहीं लिखा, यहाँ पर क्लर्क लिखना चाहिए था। ओके, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। ए नंबर है Ctrl+C, बी नंबर है Alt+Shift+C, सी नंबर है Ctrl+Alt+C, डी नंबर है Shift+A। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ वो है सी नंबर Ctrl+Alt+C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। कोई सेल है आप उसे डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये रो और कॉलम का कम्युनिकेशन है, ये बने हुए हैं सेल और इसमें से आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ये सेल हो गया हमारा बीच का ये, तो इसे आप डिलीट करना चाहते हैं इस बॉक्स को इसको, तो यहाँ पर कौन से शॉर्टकट कीज यूज करेंगे। तो आपका जहाँ कर्सर होगा उसके बाद आप Ctrl+-, यानी कि डैश, अगर आप इसे सिलेक्ट करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है लिब्रो ऑफिस क्लर्क में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पिछले भी सीरीज में बताया था, अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो एक्सटेंशन नेम इसका जो होता है, ए नंबर है .doc, बी नंबर है .xls और सी नंबर है .ods और डी नंबर है .odb। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ वो है सी नंबर है .ods। दोस्तों ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा क्योंकि एक्सटेंशन नेम एक दो पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है निम्न में लिब्रे ऑफिस क्लर्क में फार्मूला रॉन्ग होने पर साइन दिखता है। जैसे कोई फार्मूला हम इंटर करते हैं या वो वैल्यू गलत देता है, या फिर हो सकता है कि आपने फार्मूला गलत इंटर किया हो तो उसमें कुछ हाईलाइट यानी कि कुछ आपको शो होकर दिखता है, वो कौन सा सिंबल होता है या कौन सा साइन होता है, तो इसमें आपको बताना है। पहला है परसेंटेज, दूसरा है हैच का, तीसरा है स्टार का और डी नंबर डॉलर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, आप ज़रूर चेक करिएगा अगर आपके पास सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी हैच। जब आप कोई फार्मूला इंटर करेंगे जैसे कि इक्वल, उसके बाद सम आप इंटर कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर 2.5, उसके बाद ब्रेकेट बंद होगा, या यहाँ पर आप सम की जगह कोई एन हो गया, वो फार्मूला नहीं है एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर हैश लिख के आ जाएगा, हैश उसके बाद नेम समथिंग कुछ करके आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में, दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बहुत मेहनत से मैंने इनको निकाला है क्योंकि बहुत कई बार ये रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, बहुत हेल्पफुल हैं। तो अगला है, कुछ क्वेश्चन मैंने ट्रू फॉल्स से भी रिलेटेड लिए क्योंकि जो ट्रिपल सी का एग्जाम है उसमें ट्रिपल सी के एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं। तो लिब्रे ऑफिस क्लर्क में ट्रंक और राउंड एक जैसा काम करता है। ट्रंक और राउंड एक फार्मूले होते हैं जो कि किसी भी, जैसे कि एक्सेल में भी होते हैं और इसमें लिब्रे ऑफिस क्लर्क में, जैसे कि राउंड इक्वल राउंड आप लिखते हैं, उसके बाद इक्वल ट्रंक, तो इन दोनों का एक जैसा काम होता है या एक समान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों एक समान नहीं होते, दोनों का जो वर्क होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर यानी कि फाल्स है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में, लिब्रे ऑफिस में पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट कीज यूज की जाती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन यानी कि सिंपल है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं वो है, सही है ये बी नंबर। चाहे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करें या फिर आप ऐसा भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल ए भी इसका सही आंसर होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, अगर इसकी जगह कहीं कंट्रोल ए होता तो आप उसे भी सिलेक्ट कर लेते, कंट्रोल ए होता तब भी ये करेक्ट आंसर था। और दोनों जो दोनों शॉर्टकट कीज हैं एक ही वर्क के लिए यूज की जाती हैं। दोस्तों फिर यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, क्लक होना चाहिए, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा आप लोगों से। टाइपिंग के लिए कोई भी इशू मत करिएगा क्योंकि टाइप करने में इधर थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाता है, तो आप समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैसेज में है वो है, लिब्रे ऑफिस क्लक में रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। दोस्तों अभी आपने जस्ट क्वेश्चन ऊपर पढ़ा है सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं हैं, वो जल्दी से उसका आंसर दे देते हैं, तभी उनको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और बाद में बोलते मैंने तो सही किया है फिर भी रॉन्ग हो गया। लेकिन लिब्रे ऑफिस क्लर्क में रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। जो फर्स्ट टाइम दे वो पक्का कहेंगे हाँ सही, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन देंगे बोलेंगे कि अभी आपने बताया कंट्रोल ए, हाँ सही होगा ये 100%, यानी कि ये इसका भी करेक्ट आंसर ट्रू ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर बात रो की हो रही, वहाँ पूरी सीट की यानी कि पूरा सिलेक्ट करने की बात हो रही थी, यहाँ सिर्फ रो को सिलेक्ट करने की बात हो रही है। तो जो रो को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो कंट्रोल ए नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गलत यानी फाल्स होगा, ये फाल्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है वो है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का एक जैसा वर्क होता है यानी एक जैसा काम होता है। तो जो राइटर होता है क्लर्क होता है, पिछले सीरीज में मैंने राइटर के बारे में बात की थी और आज क्लर्क है, तो दोनों का जो कंट्रोल डी शॉर्टकट की जो होती है दोनों में सेम वर्क करती है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूँ, नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर इसका ए नंबर फाल्स है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। जो राइटर में होता है डबल अंडरलाइन होती है कंट्रोल प्लस डी से, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें इसके लिए दूसरा ऑप्शन यानी कि इसमें कुछ दूसरा वर्क करता है, कंट्रोल डी उसमें डबल अंडरलाइन करता है और इसमें इसका दूसरा वर्क होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे सीरीज में है वो है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में अगली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सीटें होती हैं, तो एक्सेल में तो 3 सीटें जो होती हैं, तो इसमें जो सीटें होती हैं जैसे कि हमें किसी दूसरे वर्कशीट में एक में काम कर रहे हैं दूसरे में हमें जाना है, तो वो किस शॉर्टकट की से यूज करके हम नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट सीरीज में जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, कंट्रोल प्लस टैब आप प्रेस करेंगे तो एक वर्कशीट से आप दूसरी सीट में चले जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, सही है क्वेश्चन ए नंबर ट्रू है ये। तो कंट्रोल टैब आप प्रेस करेंगे तो दूसरे सीट में चले जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इन्फॉर्मेशन पा सकें। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज में मैं और क्वेश्चन ऐड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट सीरीज में यानी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक आप ज़रूर पूछिए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट योर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।